सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है फैमिली के साथ, तो इसलिए मैं इतना शाय फील कर रही थी। इसमें पापा, मम्मी, मेरा भाई और पंडित जी साथ में थे, तो आप देख ही सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा शर्म सी फील हो रही है। फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग कर रही थी फैमिली के साथ, तो थोड़ा शाय सा हो जाता है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और आपको माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन मैं कराऊँगी। ये हम जा रहे हैं माता बांग्लामुखी देवी टेम्पल, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। और रास्ते में जो है हमको मिले कुछ बाइकर्स जो जा रहे थे, जो मुंबई से आए थे स्पेशली, और ये जा रहे थे लेह लद्दाख। तो काफ़ी इंस्पायरिंग था। और अभी ये सफ़र हमारा कंटिन्यू होते हुए माता रानी की तरफ। बीच में हम रुके थे कुछ खाने के लिए, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी दिशा द लाइफ, और आफ्टर सो लॉन्ग मैं व्लॉग कर रही हूँ शूट है इतने सिंपल से लुक में, क्योंकि हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने बांग्ला साहिब। बांग्ला साहिब भी जा रहे हैं ना? हाँ, सॉरी गाइज, बांग्ला साहिब भी जा रहे हैं। और अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने। तो गाइज, अभी हम रुके हैं कुछ खाने, अभी हम कुछ खाएंगे पियेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, लौंग लाची ढाबा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइज, मैंने आपको बताया था लौंग लाची नाम है, और ये आप देख सकते हो, ये मेरी मम्मा जा रही है वहाँ पर। कितना सुंदर है ना। नमस्ते दर्शकों, अभी हम चलते हैं अंदर। सो गाइज, हमने यहाँ पे अपने लिए गरम गरम आलू के पराठे ऑर्डर करे थे बिना प्याज के, क्योंकि हम जब माता के मंदिर जाते हैं तो प्याज वगैरह नहीं खा सकते। तो यहाँ हमने पराठे और चाय, दही और मक्खन इंजॉय करा, जैसा कि आप अभी देख ही रहे हो, और साइड में मम्मा बैठ के खा रहे हैं। बड़ा ही टेस्टी पराठे थे, आप भी जाना, और बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी कस्तूरी मेथी वाले ये आलू के पराठे थे, बहुत मज़ा आया। और ये लास्ट में हमने चाय भी ऑर्डर करी दोबारे, क्योंकि इनकी चाय भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो चाय के बिना तो दिन ही नहीं शुरू होता और दिन ही ख़त्म नहीं होता। और ब्रेकफास्ट में चाय ना पिए तो फिर ब्रेकफास्ट कैसा है ना। कौन कौन है टी लवर, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बहुत गाइस, मेरे पापा ने इसमें देखो 20 रुपीज छोड़ दिए। हाँ, भैया ही ले लो। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं उठा लूँ, मुझे दे दो 20 रुपीज, भैया के मजे आ गए। चलो गाइस, हम चाय पी के अभी जा रहे हैं, जल्दी से ट्रैवलिंग करनी है, दर्शन करने हैं, और मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी अच्छे से, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ वैसे, इसलिए हम इतने सिंपल सिंपल डिसेंट बन के जा रहे हैं। चलो अभी मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं। चलो चलो चलो, स्कूटर, मम्मी आ गई स्कूटर के पीछे। चल तो मेरी ना ले लूं यार, बोलना जरूरी था, तू नहीं आ रहा, मैं जूम कर रखा था। देखो भाइयों, ये है नागल डैम, और बहुत ही आकर्षक है, कृपया लाइक करें। सो गाइज, मेरे घर वालों ने सुबह सुबह मुझे 4 बजे कॉल करके बोला कि अभी हमें माता रानी के मंदिर जाना है। मुझे कोई क्लू नहीं था, वो सडनली सुबह मेरे पास 6:30 बजे आए और फिर हम निकल गए। तो इसलिए ये एक रैंडम व्लॉग है, और फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ शूट कर रही थी, तो बड़ा नर्वस भी थी मैं। तो इसलिए जैसे जैसे मैं सुबह तैयार हो पाई या जो भी मुझे मिला, मैंने कहा जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग थी, हमें बहुत टाइम लगा था पहुंचने में, मतलब 6 घंटे का हमें लग गया था बाय कार, 6 आवर्स हमें लगे हैं। कांगड़ा में ये मंदिर है, बांग्लामुखी देवी का मंदिर, तो प्लीज़ विज़िट करना, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ज़्यादा। और गाइस, किसको हिमाचल प्रदेश नहीं पसंद है, मुझे तो पहाड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वहाँ जाके एक अलग सा ही मुझे मतलब खुशी मिलती है। तो इतना अच्छा सफ़र था ना, लंबा ज़रूर था बट बादलों के बीच में पहाड़ी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस टाइम। और मैं देख
रास्ते में, और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी बीच में, तो फिर मुझे लगा चलो अभी सो जाते हैं। सब ऐसे स्लीपी स्लीपी हो चुके थे, मम्मी भी मैं भी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, अभी हमें बस अपनी कार वगैरह पार्क करेंगे और फिर हम दर्शन करने जाएंगे। तो ये सब वही लोग हैं जो दर्शन करके वहाँ से आ गए हैं, बहुत ज़्यादा रश था, वो आपको आगे वीडियो में देखने को। हम पहुंच चुके हैं और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। आफ्टर सो लॉन्ग हम पहुंच गए फाइनली। मैं तो सो ही गई थी, एक छोटी सी क्लिप आप देख लेना उसमें। और अभी हम पहुंच गए, मुझे नहीं लगता शायद अंदर कैमरा ले जाना अलाउड होगा, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं अंदर ले सकूं, थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकूं। गाइस यहाँ से हमने अपनी माता रानी के लिए प्रसाद कलेक्ट करा जो हमें माता रानी को चढ़ाना था, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। और आप भी देख सकते हो यहाँ माता रानी के लिए बैंगल्स, चूड़ियाँ, दिया, सब कुछ था यहाँ पर। और कुछ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, हर चीज़ का आपको धार्मिक टाइप का यहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा जो भी हम सबको पूजा में चाहिए होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें थी, और मुझे तो ऐसी जगह से कुछ ना कुछ लाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपको भी ऐसा पसंद है तो मुझे कमेंट में बताना। सो गाइस बहुत ज़्यादा रश था, जैसा कि मैंने आपको बाहर भी बताया था, दूर दूर से लोग आए थे, पंजाब से, यूपी से, और भी अलग अलग स्टेट से माता रानी के दर्शन करने। यहाँ पे इतना टाइम लग जाता हमें, वो तो थैंक गॉड हमारे पास वीआईपी पास था जिसके वजह से हमें बहुत ईजली दर्शन हो गए, वरना यहाँ पर हमें कम से कम 6 घंटे लगने थे सिर्फ दर्शन दर्शन के लिए। और वो भी थैंक यू पंडित जी का और माता रानी का कि हमारे पास वो पास था जिसके वजह से हमें बहुत जल्दी दर्शन किए। सो गाइज ये है माता रानी का मेन मंदिर जहाँ पर हम दर्शन करते हैं, और हम चलते हैं दूसरी साइड। मैंने ट्राई करा कि मैं कैप्चर कर सकूँ पूरा व्यू, और आप देख सकते हो कितना ओपन और कितना खूबसूरत मंदिर है बादलों के बीच में। और यहाँ पर जो है कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पे आपको चांदी के, सोने के, भगवान जी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, और डिफरेंट टाइप्स का सब कुछ आपको मिल जाएगा जो पूजा पाठ का सामान हमें चाहिए होता है। तो वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी थी, जैसे कि आप अभी देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माता रानी के, पीतल के, सोने के, चांदी के। और ये है हमारे यहाँ पे दूसरी माता रानी की फ़ोटो जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। फिर मैंने यहाँ पर जाकर कुछ अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, और ये पापा भी फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और देख रहे हो आप जैसे कैसे माता रानी एक राक्षस को संहार कर रही थी। और ये अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में जो नीचे जाके था मंदिर का, जहाँ पर शिव जी का मंदिर था। अब मैं आ गई हूँ बाहर की साइड पूरा आपको आउटर व्यू दिखाने के लिए कि मंदिर कितना ज़्यादा बड़ा और कितना ज़्यादा खूबसूरत था। और अब ये शॉप में आप अंदर देखो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पीतल के, सोने के, चांदी के, शेर जैसे यहाँ पर हैं, भगवान जी हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो भी आपको चाहिए, तांबे का लोटा, शिव जी, जैसा भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। और मैंने कुछ अपने लिए भी देखे थे,
जो मैं लेना चाहती थी, फिर मैंने प्राइस वगैरह पूछी और मैंने फिर मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे तो मैंने नहीं लिया। बट अगर आप लेना चाहते हो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ लेना वहाँ से। तो मैंने ट्राई करा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, जो आपको दिखा सकती थी, जितना कैप्चर कर सकती थी मैंने कैप्चर किया। दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। वी आर सो हैप्पी। तो आपको कैसा लगा यहाँ आपको बताओ, हंस क्यों रहे हो? अनन्या के लिए ले लो। और गाइस यहाँ पे आपको मार्केट में बच्चों के लिए भी खेलने के लिए काफी सामान किचन, गुड्डे, गुड़िया सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो ले सकते हो। ये बारबीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये की चैन में बारबीज, इतनी बड़ी बड़ी बारबीज थी, मुझे तो नहीं पता इसको कैसे कैरी करेंगे, बट छोटी लड़कियों को बड़ा मज़ा आता है। फिर यहाँ पर एक होटल था और रेस्टोरेंट था, फिर हम उसके अंदर गए, वहाँ पे हमने खाई तंदूरी रोटी, साथ में मिक्स वेज और दाल, बहुत ही अच्छा खाना था, आप भी ज़रूर खाना। फिर वहाँ से हम अपने सफ़र के लिए निकल पड़े वापस आने के लिए, और जो आते आते हमें हो चुके थे रात के 12:30। बहुत ही लंबा सफ़र था, बीच में हमने रुक के चाय ज़रूर पी थी क्योंकि थकावट और इतनी लंबी ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है, तो नाइट में तो चाय वगैरह तो चाहिए ही होती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको ट्राई करा कि मैं जितने माता रानी के दर्शन करा सकूँ मैंने कराए। तो प्लीज़ मेरा अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल दिशा द लाइफ। और इतना थक चुके थे ही